पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए 2000 रुपए की नोट पर पाबंदी लगाई गई है। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि 2000 रुपए की नोट मार्केट में बंद कर दी गई है। जिस किसी के पास भी 2000 की नोट है वो 30 सितंबर से पहले बैंकों में जाकर जमा कर दें। नोटबंदी के जरिए सरकार काले धन को वापस लाना चाहती थी, लेकिन विधायक जितेंद्र आव्हाड ने बताया है कि नोटबंदी में लोगों ने सभी पैसों को बैंकों में जमा कर दिए तो काला धन कहां से आएगा। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। लोकसभा का चुनाव जल्द ही नज़दीक है और 2000 रुपये का नोट यह चुनाव में खर्च ना किए जाएं, इसके खातिर 2000 रुपये की नोट पर बंदी लगाई गई है, क्योंकि अभी आने वाले राज्यों की भी चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने 2000 रुपये के नोट पर बंदी को लेकर क्या बयान दिया है, आपको सुनाते हैं। ऐसा पहली जब नोटबंदी आई थी तो शायद आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने था और नोटबंदी आ गई, और उस नोटबंदी में सब नोट कैंसिल होके 2000 की नोट आ गई। तब लोगों ने मजाक मस्ती में ये बोला था कि 1000 की नोट 500 की नोट रखने में तो 2000 की नोट सबसे आसान है। अच्छा, ये जो ब्लैक मनी का उन्होंने बात की थी कि ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा, काहे का ब्लैक मनी, 99% जो पैसा है सब 99% पैसा बैंक में आ गया, यहाँ आ गया, उसका हिसाब लग गया, कहाँ था यानी ब्लैक मनी कहाँ गया था, सब पैसा तो आ गया ना वापस। तो ये एक्सरसाइज क्यों किया था, उससे भारत की इकोनॉमी ऐसी हिल गई। अब ये 2000 की नोट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और 2000 की अगर समझो लाख भर हम गिने तो 2000 की 50 नोटें लगती हैं, तो किसे रखने में आसानी होती है, तो किसी के खीसे में वो 2000 रहे ही नहीं। चुनाव सामने आ गया है, लोकसभा और कई राज्यों के चुनाव जल्दी हो जाएंगे।